और इस बीच पाकिस्तान में एक नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पाकिस्तान की एक वेबसाइट द राइज न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदू लड़की का अपहरण करवाया गया, जिसके बाद जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया और जबरन एक मुस्लिम लड़के से उसकी शादी करवा दी गई। वेबसाइट के मुताबिक लड़की को बंदूक की नोक पर उसके घर से अगवा किया गया। अपहरण के 5 दिन बाद पुलिस ने लड़की को बरामद किया और कोर्ट में पेश किया, जहां लड़की ने अपने माता पिता के साथ जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन कोर्ट ने उसे सेफ होम भेज दिया। सेफ होम भेजे जाने के समय लड़की अपने पिता से मिलकर रो पड़ी। उधर पंजाब के अमृतसर में BSF जवानों ने सीमा पार से घुसपैठ करने वाले एक ड्रोन को मार गिराया और उससे 5 किलो हेरोइन बरामद की। BSF ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हेरोइन भेजी गई, लेकिन BSF जवानों ने पाकिस्तान की इस साजिश को नाकाम कर दिया। BSF के मुताबिक पाकिस्तान सीमा के पास अमृतसर के राय गांव में ड्रोन की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक्शन लेते हुए जवानों ने उसे मार गिराया और जब ड्रोन की तलाशी ली गई तो उससे पीले रंग का एक पैकेट बरामद हुआ, जिसमें हेरोइन के 5 पैकेट मिले। इससे एक दिन पहले भी BSF ने अमृतसर के भैनी राजपूताना गांव में एक ड्रोन को मार गिराया था, जिससे 2 किलो हेरोइन बरामद की गई थी। और इधर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हैरान कर देने वाला एक मामले सामने आया, जहां एक महिला पर उसके पति राजू की हत्या का आरोप लगा है। आरोप यह है कि एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी, जिसके बाद हत्या के आरोप में महिला और उसके प्रेमी को पुलिस ने पकड़ लिया। बताया गया कि महिला का प्रेमी पहले उसके 3 बच्चों को किसी बहाने से घर से बाहर ले गया, फिर बच्चों को बाहर ही छोड़कर महिला के घर वापस आया, फिर दोनों ने मिलकर धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस वारदात का पर्दाफाश तब हुआ जब बच्चे घर लौटे और पिता को खून में लथपथ पाया। छत्तीसगढ़ के भिलाई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि घरेलू झगड़ों से परेशान होकर पत्नी ने अपने दुपट्टे से पति की गला घोटकर हत्या कर दी और दुपट्टे को जलाने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली उसने तुरंत आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वारदात तब हुई जब महिला का पति सो रहा था, लेकिन आरोप है कि इस दौरान उस महिला ने अपने दुपट्टे से अपने पति का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद आरोपी महिला ने अपने दुपट्टे को जलाने की कोशिश भी की। इसी दौरान आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। तीनों के बीच में घरेलू कलह था, लगातार आपस में लड़ते झगड़ते थे। हालांकि बताया गया कि महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए पुलिस मामले की जांच में जुट गई। तो प्रदेश के आगरा से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि एक लड़की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी मां की चाकू से गोद कर हत्या कर दी, जिनका शव मिलने पर इलाके में दहशत मच गई, क्योंकि वो महिला कुछ दिन पहले अपने घर से अचानक गायब हो गई थी, जिसके बाद उस महिला के पति ने यूपी के आगरा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन जब उस महिला का शव पुलिस ने बरामद किया तो वहां हड़कंप मच गया। इस मामले में पुलिस ने आशंका जताई कि उसकी बेटी ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी। बताया गया कि महिला पर कई बार चाकू से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। साक्ष्य मिलते ही हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। वहीं पुलिस ने इस हत्या के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। लड़की ने आरोपी लड़के पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया, जिसके बाद लड़की ने पुलिस में लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। लड़की का आरोप है कि वो आरोपी लड़के को करीब 2 साल से जानती थी, दोनों में गहरी दोस्ती थी। इस बीच आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, लड़की ने आरोपी पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया। गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती उस युवक को पिछले 2-3 वर्षों से जानती है। पीड़ित लड़की की आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल होने की बात भी सामने आ रही है। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक 4 साल की बच्ची को अगवा कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया। परिवार ने दावा किया कि बच्ची अपने घर के बाहर से खेलते खेलते गायब हो गई, जिसके बाद पुलिस ने करीब 2 दिन बाद बच्ची का शव नाले से बरामद किया। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या मुंह दबाकर की गई और बाद में उसे एक बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया गया, जिसका आरोप बच्चों के पड़ोस में रहने वाले एक परिवार पर है। जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। 4 संदेहियों को जो पड़ोसी है उनको कस्टडी में लिया गया है, निरंतर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को घर के बाहर से पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने किडनैप किया और फिर माँ बहन और बहन के दोस्त ने पहले बच्ची का मुंह दबाकर उसकी हत्या की, फिर उसका शव नाले में फेंक दिया, जिसका जिक्र पुलिस ने बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर किया। और उधर मथुरा में एक युवक की मौत की वजह से बड़ी संख्या में ग्रामीणों का हुजूम थाना छाता कोतवाली पहुंचा और जबरदस्त नारेबाजी करने लगा। दरअसल बुधवार को नंदकिशोर नाम का एक 32 साल का आदमी बुरी तरह से झुलस गया था, जिसका इलाज दिल्ली में चल रहा था। शुक्रवार को उसकी इलाज के समय मौत हो गई। घर वालों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है।
घटना से खफा घर वाले और ग्रामीण थाना छाता कोतवाली पर शव रखकर न्याय की मांग करने लगे। मौके पर बीजेपी और आरएलडी के नेता पहुंचे, गुस्साए लोगों को समझाया और किसी तरह से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बकाया वसूलने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों से बदसलूकी और मारपीट की गई है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग बिजली विभाग के कर्मचारियों से बहस करते नजर आए। इसी बीच पीली टी शर्ट वाला ये आदमी बिजली विभाग के कर्मचारी पर टूट पड़ा, जिसके बाद वहाँ मौजूद दूसरे लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। बताया गया कि ये वाकया उस वक्त हुआ जब बिजली विभाग ने हरदोई के कासिमपुर इलाके में बकाया वसूली के लिए अभियान चलाया। आरोप है कि इसी समय कुछ लोगों ने बिजली विभाग की टीम से बदसलूकी और मारपीट की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र प्रदेश के गाजियाबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक रेस्टोरेंट में लड़के और लड़कियां मारपीट करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें लड़के और लड़कियां एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करते दिखाई दिए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें लड़के और लड़कियां आपस में बहस करते नजर आए। देखते देखते बात इतनी बिगड़ गई कि उन लोगों के बीच कुर्सियां चलने लगी। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मारपीट करते रहे। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। वीडियो का संज्ञान लेकर उक्त लोगों को थाना क्रॉसिंग पर लाकर पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक ये पूरा झगड़ा मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र और गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं। अमित शाह महाराष्ट्र के नांदेड़ में जनसभा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा अमित शाह गुजरात दौरे पर भी जाएंगे। अहमदाबाद में अमित शाह पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां इस वक्त जोरों पर है, जिस पर शुक्रवार को दिल्ली में गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। बैठक में निर्देश दिए गए कि रात में श्रीनगर और जम्मू से हवाई सेवा उपलब्ध होगी, डॉक्टरों की टीम हमेशा तैनात रहेगी, अर्धसैनिक बल के साथ आरएएफ की तैनाती होगी, बेहतर संचार की सुविधा होगी, यात्रियों की सुविधाओं के लिए निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रियों के आवागमन, ठहरने, बिजली, पानी, संचार और स्वास्थ्य समेत सभी आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वैसे अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने पूरी तरीके से कमर कस रखी है और सुरक्षा के साथ साथ यात्रियों की सुविधा के लिए भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें इस बार सीसीटीवी की संख्या बढ़ाई गई है और कैंपों की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। अधिकारियों का दावा है कि वो इस बार अलग अलग जगहों पर एक बार में 75,000 से ज्यादा यात्रियों को रुकवा सकेंगे, यानी कुल करीब 8 से 9 लाख यात्रियों के लिए तैयारी की जा रही है। 8 से 9 लाख लोग मुझे जो है उम्मीद है हम उस लेवल के उसके इंतजाम करके चल रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को शुरू होगी और 31 अगस्त को समाप्त होगी, यानी कुल 62 दिनों तक यात्रा चलेगी।